वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हम इंस्टाग्राम के एक अमेजिंग से अपडेट के बारे में। अमेजिंग इसलिए क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके लिए एक वरदान है, जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था ये आना। एंड इंस्टाग्राम ऑलरेडी इस फीचर को ला चुका था, हट गया, वापस से लेके आया। मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे लेके चलूं, यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ राइट टॉप कॉर्नर थ्री लाइन पे, या फिर मैं एडिट प्रोफाइल पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोनाउन्स। ओके, अभी प्रोनाउन है क्या? बहुत से लोगों की, मतलब मैं यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा था, बिकॉज जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग देखते हैं इतना मिसगाइड, इतना मिसलीड और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं। मैं उन्हें बोलूँगा भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो, आप पता नहीं अपनी ऑडियंस को क्या बता रहे हो। अभी प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अमेजिंग इसलिए बोला क्योंकि आई नो फ्यू पीपल जिनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। ओके, प्रोनाउन को यूज़ कैसे करना है, क्यों जरूरी है, क्या है, सब कुछ डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं प्रोनाउन पे आपको ऑलरेडी लेके आ गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, इन्होंने बोला हुआ है ऐड अप टू 4 प्रोनाउन्स टू योर प्रोफाइल सो पीपल नो हाउ टू रेफर टू यू, यू कैन एडिट और रिमूव देम एट एनी टाइम। अगर ये यूट्यूबर्स इसे लर्न मोर करके भी पढ़ लेते ना तो भी एग्जैक्ट पता लग जाता कि ये है क्या। आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को कि भाई इससे हम लोग सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आ जाएंगे या इससे हमारे इंस्टाग्राम की रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता ये एक बहुत अच्छा अमेजिंग सा इनिशिएटिव है जो इंस्टाग्राम ने लिया है दोबारा से। पहले लिंक्डइन ने स्टार्ट किया था, उसके बाद ही इंस्टाग्राम पे। प्रोनाउन आपको मैं बता दूं, प्रोनाउन हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग किसी चीज को रेफर करने के लिए, फॉर एग्जांपल वो। अब वो में तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे हो गया मैं बात करूं टेक्निकल गुरुजी हैं। ओके, मैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में उनका नाम ना लेके, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो मेल है फीमेल है, ऐसे तो मैं देख के उन्हें बता सकता हूँ ही इज अ मेल। ओके, बट अब वो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, हम लोग वो करके बात कर रहे हैं, दे देम वो। ओके, तो एक ये जेंडर न्यूट्रल हो गया। ओके, तो इसी चीज से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है। आई होप मैंने एग्जांपल सही लिया, अगर गलत लिया तो आई एम सो सॉरी, बट यही है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर हम पढ़े, पीपल यूज प्रोनाउंस एज वे टू रेफर टू समवन विदाउट यूजिंग देयर नेम। व्हेन यू ऐड प्रोनाउन टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इट अलाउज पीपल टू नो विच प्रोनाउंस टू यूज व्हेन दे कम्युनिकेट विद यू। ओके, अब मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझा देता हूँ। राजन हो गया, राजन लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे नाम राजन है, हमें लग रहा है कि ये लड़की है लेकिन वो लड़का है। अब हम लोग कैसे बात करेंगे यार, अब उसकी प्रोफाइल पे भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, तो इस चीज को राजन क्या करेगा, राजन इस चीज को रिफ्लेक्ट कर देगा इस नाम से कि ही हिम, कि वो लड़का है और बचपन से ही लड़का है। अगर राजन है, अगर वो लड़की है, हम लोग उसे भाई भाई करके बात कर रहे हैं और भाई क्या हाल है, लेकिन वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो बोलेगी भाई मैं लड़की हूं, तो वो वहां पे लिख सकती है शी हर। लेकिन एक तो बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, जैसे कि मैं बताने वाला था, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके लिए वरदान है, मैं वो बता देता हूं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया था लिंक्डइन के एंड से, वो लिया गया था एक LGBTQA+, मतलब इस कम्युनिटी को थोड़ा सा और ज्यादा जेंडर स्पेसिफिक करने के लिए, मतलब इनके लिए इनिशिएटिव है। जैसे हो गए ट्रांस, ओके, अब ट्रांसजेंडर है वो दिखते लड़के जैसे थोड़ा बहुत, या फिर वो लड़की बन गए हैं। ओके, उनका बचपन में तो डिफरेंट जेंडर था ना, लेकिन बड़े होकर उन्होंने चेंज कर लिया, तो वो वहां पे अपना जेंडर लिख सकते हैं। इफ ही लुक्स लाइक अ बॉय लेकिन वो लड़की है, तो वो वहां पे अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन के, अपने इंस्टाग्राम के, अपने जीमेल की, अपने ईमेल के सिग्नेचर्स में भी वो लिख सकते हैं शी हर, मतलब वो ठीक है, अब वो शी हर से आइडेंटिफाई होना चाहते हैं। जैसे कोई लड़की था बचपन में, अब वो बाद में जाके लड़का हो गया, तो वो ही हिम लग सकता है अपनी प्रोफाइल के आगे। नाम तो उसे बचपन में लड़के का ही मिला ना, मुकेश नाम है, अब मुकेश बाद में आके लड़की बन गया, तो अब वो शी हर लिख सकता है। तो इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम ने ये प्रोनाउन जो फीचर था ये दोबारा से लेके आया है, दोबारा से रिलॉन्च किया है कि हम लोग अपना यहाँ पे प्रोनाउन लिख सके। अब थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार आप दिखते भी लड़के जैसे हो, आप लड़के ही हो और लोग आपसे भाई भाई करके बात भी करते हैं, लोग आपको एक लुक में पहचान ले, तो आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की, मत लिखो। ओके, आप लड़की हो और लोग आपको देखते लोगों को पता लग जाता है कि आप लड़की हो, देखने पर भी आप लड़की लग रहे हो, और लड़की, आपको कोई जरूरत नहीं है शेयर लिखने की। लेकिन जो थोड़े नॉन बाइनरी या फिर जेंडर न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि भाई मैं आइडेंटिफाई करता हूं इस चीज से, मेरा ये है। ओके, अब एक जेंडर न्यूट्रल रखने के लिए हम लोग, जैसे हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं कि वो, तो हम दे दें लिख सकते हैं। मैं लड़का हूं, मैं लड़के के आइडेंटिफाई करता हूं, मैं स्ट्रेट हूं, तो मैं ही हिम लिख सकता हूं। कोई लड़की है तो वो अपनी प्रोफाइल के आगे शी हर लिख सकती है। ओके, ऐसे हमें 4 यहां पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं टैप करूं तो इंस्टाग्राम हमें 4 ऑप्शन देता है, ही हिम, शी हर, दे देम, और एक और ऑप्शन आता है ई इट।
इट्स करके, ओके हम लोग चार एक साथ में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते तो। बस ये ही है प्रोनाउन, इससे कोई हमारी रैंकिंग नहीं बढ़ती, इससे हम अपनी बायो में लिख के अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को मोर स्पेसिफिक, मोर क्लियर, मोर आइडेंटिकल बनाते हैं कि मैं इस जेंडर का बंदा हूं, राइट? ये है प्रोनाउन। अब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दोज जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने ऑडियंस को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेरे साथ ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि मैं बोल देता हूं पे, ओके नाउ इट्स योर टर्न, आप लिख दो उनके कमेंट में नाम, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने जा रहा, क्योंकि वो इतनी सी भी पढ़ाई नहीं कर सकते ना इस चीज को लेके, इतनी सी भी रिसर्च नहीं कर सकते किसी टॉपिक को लेके, तो आपको क्या समझाएंगे। बाकी लीव इट, ओके बाकी आपको समझ आ गया है क्या यूज है पर्टिकुलर फीचर का, तो कमेंट बॉक्स में यस नो जरूर लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आई होगी, आइए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।